आपके स्क्रीन पर चल रही ये तीन तस्वीरें हैं यूपी के गाजियाबाद, हापुड़ और चंदौली की, जिसमें आप गौर से नजर डालेंगे तो तीनों ही तस्वीरों में आपको भीड़भाड़ के साथ सांड नजर आ रहे होंगे। चूंकि यूपी में सड़कों पर सांड का आतंक तो नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन इस बार तो सांड दो कदम आगे निकलकर सीधा दशहरे में लगे मेले तक पहुंच गए और वहां चुपचाप मेला देखने की बजाय ऐसा उत्पात मचाया कि लोगों की जान हलक में आ गई। गाजियाबाद में मैदान में घुसा सांडों का झुंड। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां मोदी नगर के एक इंटर कॉलेज में रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक सांडों का झुंड भीड़ में घुस आया। फिर क्या था, देखते ही देखते सांड बेकाबू हो गए। तभी मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सांडों को किसी तरह कार्यक्रम स्थल से बाहर खदेड़ा। चंदौली में सांड के हमले में बच गए मंत्री जी। तस्वीर चंदौली से भी इसी तरह की आई, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे रावण दहन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान भीड़ में अचानक सांड की एंट्री होती है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हालांकि किसी तरह मंत्री जी के साथ साथ मेला देखने आए सभी लोग बाल बाल बच जाते हैं। हापुड़ में भी कमोबेश ऐसा ही मामला सामने आया, जहां रविवार देर शाम उस वक्त भगदड़ मच गई जब मेले में मौजूद एक महिला झूले पर चढ़ रही थी। तभी अचानक से सांड आया और महिला को टक्कर मारने के बाद एक बच्चे को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में किसी तरह सांड को मेले से भगाया गया। अखिलेश ने एक्स पर सरकार को घेरा। इधर अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर वीडियो ट्वीट कर सरकार को घेरा। अखिलेश ने लिखा, प्रशासन का कार्य मेलों के लिए न केवल अनुमति देना बल्कि सुरक्षा व्यवस्था देखना भी होता है। अगर मेले में खुले घूमते हुए अन्ना पशु मेला प्रशासन और पुलिस को नहीं दिख रहे हैं, तो उन असामाजिक तत्वों से जनता की सुरक्षा कैसे होगी जो दिखते भी नहीं है। जनता की हिफाजत करना सरकारों का सबसे संवेदनशील कर्तव्य होता है। इसके अलावा सपा मुखिया ने एक और पोस्ट कर आवारा पशुओं के हमले में गई वाघ बकरी चाय के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई की मौत पर दुख जताया। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार गंभीर नहीं है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने यूपी में सांड के हमले को लेकर योगी सरकार को लपेटे में लिया हो। इससे पहले भी वो अपने सांड समाचार के जरिए ऐसी घटनाओं को उठाते रहे हैं, लेकिन ये समस्या आज भी यूं ही जस की तस बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।